एक चार महीने के बच्ची का मामला, वो एडॉप्शन का डिस्प्यूट, वो बायोलॉजिकल मदर सोशल मदर के बीच में वो डिस्प्यूट, वो मादनापेट पुलिस पुराना शहर का साउथ जोन पुलिस चालू कर दिया। डिटेल्स में जाने में एक यूसुफ और शाबिल बेगम को जुलाई 5 तारीख को एक बेटी पैदा हुआ था। ऑलरेडी ये कपल्स को चार लड़कियां, बच्चियां और एक बच्चा पैदा हुआ था। वो पालने में बहुत तकलीफ ड्यू टू पॉवर्टी। फादर यूसुफ किसी को एडॉप्शन रूप से पैसा लेके देने के लिए वो डिसाइड कर दिया, लेकिन मदर शाबिल बेगम मना कर दिया। अगर मना करेगा तो आप डाइवोर्स दे देते, का ऐसा थ्रेटन करके धरा के एक खातून, शेख खातून एक ब्रोकर को दे दिया। ये खातून गंगाधर रेड्डी सिरीशा और वैजाग को एक ब्रोकर रत्न कुमारी इलियास गीता को दे दिया। ये पूरा ब्रोकर्स वैजाग को कोतवाल समय एक कपल्स को दे दिया, ये बेटी को, बच्ची को। बच्ची का नाम फातिमा। ये एडॉप्शन 5 सितंबर को दे दिया, 2 महीने के उम्र में। अभी 4 महीने हो गया, वो अच्छा पाल रहा है। फादर ये कपल्स को फोन नंबर लेके कितने पैसे दे दिया ब्रोकर्स को ऐसा पूछा। वो पेरेंट्स, वो एडॉप्शन कर दिया पेरेंट्स, वैजाग में रहने वाले, अभी पाल रहे हैं, एडॉप्शन ले लिया। वो लोग बोल दिया 1,70,000 उनको दे दिया। ये फादर को गुस्सा आया, ये फादर को 85,000 दे के बाकी रिमेनिंग अमाउंट ये ब्रोकर्स बांट लिया। और ज़्यादा पैसा उनके पूछने के लिए भी फादर थोड़ा ब्लैकमेल रूप से वो कोशिश करा। मदर को भी, साबिला बेगम को भी, वो बच्ची को, बेटी को देखने के लिए वो दिल चाह रहा थी। तो इसके लिए दोनों मिलकर मादनापेट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दिया। ये सेंसिबल केस है, छोटी बच्ची का मामला, दिल मोहब्बत प्यार का इश्यू। वो सेंसेशनल केस बनाने के पहले तुरंत मादनापेट पुलिस वैजाग जाके ये बच्ची को रेस्क्यू करके यहाँ लाया। आज ओरिजिनल मदर, जो बायोलॉजिकल मदर पैदा कर दिया, ये मदर को हैंड ओवर कर दिया। और ये बच्ची को, फादर को और दो ब्रोकर्स कार्टून गंगाधर रेड्डी को गिरफ्तार करके नॉन अवेलेबल सेक्शन में रिमांड भेज दिया। हम एक्शन लेना पड़ता, तो इसीलिए ये ब्रोकर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए उन सभी लोगों को ऊपर सस्पेक्ट शीट्स ओपन कर रहा है एक तरफ से, दूसरा उनको जियो टैगिंग कर रहा है। जो हॉस्पिटल्स ये ब्रोकर्स को एंकरेज कर रहा है, उन लोगों के भी नोटिस दे रहे हैं। तो ये इसी तरफ मामला रिपीट नहीं होने के लिए, अगर पॉवर्टी हो, गरीबी हो, जो बच्चे अपने पैदा होता है उनको संभालना पालना। वेरी रेयर केसेस में कानूनी के अनुसार प्रोसीजर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रजिस्ट्रेशन, ये प्रॉपर्टी अलाटमेंट, डिप्लॉयमेंट, ये पूरा बहुत प्रोसीजर होता है एडॉप्शन करने के लिए, पालने के लिए। तो वो कानून के अंदर करेगा तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन ये झूठा बातचीत करके ऐसा देना, ऐसा सोल्ड करना, परचेज करना, बेचना, खरीदना, लेने देने में ये प्रॉब्लम आ जाता। इसी तरफ नहीं रिपीट होने के लिए, इसी तरफ दंडागिरी में सख्ती से हम एक्शन ले। अगर पक्का इंटेंशन इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ ये पैसा के लिए ये बच्ची को ब्रोकर्स को दे दिया,
पैसा ज़्यादा पैसा आधा पैसा ये ब्रोकर्स बांट ली, इसीलिए गुस्सा आके पुलिस को आ गया।